बिना ओटीपी के आपके बैंक अकाउंट हैक हो सकते हैं और आपके अकाउंट से सारे के सारे पैसे उड़ाए जा सकते हैं। क्या बात करता है यार? जी हाँ, मैं बिल्कुल सही बात कह रहा हूँ, क्योंकि फिलहाल एक नया फ्रॉड करने का तरीका आया है। जो भी फ्रॉडस्टर है, जो भी हैकर्स है, वो लोग ये तरीका अपना के लोगों के बैंक अकाउंट खाली कर रहे हैं। दिल्ली का एक शख्स है जिनका नाम है शमशेर सिंह, उनके अकाउंट से 50 लाख रुपए उड़ाए जा चुके हैं। हालांकि वो काफी पढ़े लिखे व्यक्ति है, काफी टैलेंटेड है, उसके बावजूद भी उनके अकाउंट से 50 लाख रुपए उड़ा लिए गए। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मेरा जो चैनल है वो साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड है। मेरे चैनल पे आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड। मैं लोगों को अवेयर करता हूं ताकि लोगों के साथ धोखाधड़ी बिल्कुल भी ना हो। अगर आप साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड कोई भी वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर साइबर सिक्योरिटी के अलावा फाइनेंस से रिलेटेड, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। मुझे आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। तो चलिए अब हम मुद्दे की बात करते हैं कि बिना ओटीपी के बैंक अकाउंट कैसे हैक हो जा रहे हैं और अकाउंट से सारे के सारे पैसे कैसे उड़ा लिए जा रहे हैं। इसके पीछे क्या राज है? जो हैकर्स है, जो स्कैमर्स है, फ्रॉडस्टर है, वो लोग आखिर क्या दिमाग लगा रहे हैं? आमतौर पर सभी लोग जानते हैं कि जो भी ट्रांजैक्शन होता है तो वहां पे हमें ओटीपी डालने की जरूरत पड़ती है। ओटीपी के बिना ट्रांजैक्शन नहीं होता है, लेकिन इस गेम में क्या है कि बिना ओटीपी के ही अकाउंट हैक हो जा रहे हैं, अकाउंट से सारे पैसे साफ किए जा रहे हैं। तो चलिए जानते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या होता है कि जो भी हैकर्स हैं, स्कैमर्स हैं, फ्रॉडस्टर्स हैं, मेरा मतलब है कि जो भी धोखाधड़ी करने वाले लोग होते हैं वो आपको कॉल करेंगे। तो शमशेर सिंह के साथ क्या हुआ था कि उनके पास बार बार कॉल्स आ रहे थे, वो भी ब्लैंक कॉल्स। बोले तो कॉल आता था उधर से, शमशेर सिंह उठाते थे, सन्नाटा छाया हुआ है, मतलब कुछ नहीं बोल रहा। तो वैसे एक बार नहीं बल्कि कंटिन्यूसली हो रहा था, बार बार कॉल्स आ रहे थे, मतलब बहुत बार। ऐसे में कोई भी इंसान इरिटेट हो जाएगा, क्या यार कॉल आ रहा बार बार, स्विच ऑफ कर दे। तो शमशेर सिंह जो है उन्होंने फोन को ऑफ कर दिया। फिर जब वो फोन को ऑन किए तब देखे कि भाई 50,000 अकाउंट से कट गए, फिर देखे 20,000, फिर 10,000, 5,000, 1,00,000, 2,00,000, ओवरऑल पूरे 50,00,000 का ट्रांजेक्शन हो चुका था डिफरेंट अकाउंट में। आखिर ये कैसे हुआ बिना ओटीपी आए? तो आज इसके बारे में हम पूरे विस्तार से समझेंगे, और वो भी बिल्कुल आसान भाषा में। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जो भी हैकर्स हैं, फ्रॉडस्टर हैं, उनके पास डेटा आता कहाँ से है। मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बताऊंगा। वो डेटा किसी ऐप के माध्यम से, किसी वेबसाइट के माध्यम से, या फिर आप इंडिविजुअल किसी पर्सन को दे देते हैं, या फिर एक कड़वा सच है, शायद आपको यकीन नहीं आएगा, लेकिन इसके बारे में मुझे पता है क्योंकि मैंने खुद फ्रॉडर्स से बात की थी और उसने खुद बताया था। मैंने उसे सवाल किया था कि भाई आपके पास डेटा आता कहाँ से है, तो उन्होंने बताया कि जितने भी डेटा है वो बैंक देती है, मतलब इसमें बैंक भी शामिल है। जो भी ज्यादा ट्रांजैक्शन करते हैं, जिनके अकाउंट में बहुत ज्यादा पैसे होते हैं, उनका डेटा लीक हो जाता है, इसलिए बार बार उनके पास कॉल्स आते हैं। हालांकि मुझे डाउट था कि बैंक जो है वो भी डेटा सेल करती है, बेच देती है किसी को, लेकिन जब मैंने एक फ्रॉडस्टर से बात किया, वो मेरे साथ फ्रॉड करने की कोशिश कर रहा था, मैंने उसको बताया कि भाई मैं साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड मैं काम करता हूं और इस चीज़ की मुझे बखूबी नॉलेज है, फिर वो ऑनेस्टली सब चीज़ बता दिया और बोला कि भाई मैंने एक ही सवाल किया था और रिकॉर्ड भी किया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया, पता नहीं क्यों, मतलब साउंड एकदम सन्नाटा हो गया वीडियो में, मतलब वॉइस रिकॉर्ड में। मैंने पूछा कि भाई आपके पास डेटा आता कहाँ से, तो उन्होंने बोला कि भाई बैंक देती है। मतलब बैंक देती है, ये कैसे हो सकता है? तो उन्होंने बताया कि आप खुद सोचिए कि मेरे पास डेटा आएगा कहाँ से, बैंक के कर्मचारी मिले होते हैं। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। तो जो भी खाताधारी है, जो अकाउंट होल्डर है, अगर उसके अकाउंट से बहुत ज्यादा पैसे ट्रांजैक्शन किया जाता है और बहुत ही ज्यादा अमाउंट में, तो उनके डेटा को बेच दिया जाता है। किससे? फ्रॉडस्टर्स से, हैकर्स से। उसके बाद क्या होता है मालूम है? जो भी फ्रॉडस्टर्स है, जो हैकर्स है, वो एक क्लोन तैयार करते हैं मोबाइल नंबर का, जिसे हम कहते हैं सिम स्वैपिंग, मतलब एक नंबर से दो सिम। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। सिम स्वैपिंग में होता यह है कि सबसे पहले जो भी हैकर है, फ्रॉडस्टर है, वो क्या करते हैं कि जिसके भी हाईली अमाउंट में ट्रांजैक्शन होता है उसका डेटा निकाल लेते हैं या फिर खरीद लेते हैं, उसके बाद क्लोनिंग करते हैं नंबर का, यानी कि एक नंबर से दो सिम, एक जो पहले बंदा निकाले हुआ है और दूसरा हैकर निकाल लेता है वही नंबर से। फिर वो क्या करता है? ब्लैंक कॉल करता है, कॉल करेगा और मुंह में दही जमा लेगा, जो भी हैकर है। वो भी एक बार नहीं बल्कि बार बार कॉल करेगा। तो ऐसे में कोई भी इंसान इरिटेट होकर फोन को स्विच ऑफ कर देगा, और हैकर जो है वो इसी चीज का फायदा उठा लेता है। अब ध्यान से सुनिए, होता ये है कि जो ओटीपी जाता है उसके मोबाइल नंबर पे, वो तो एक बंद हो गया, अब सिम स्वाइपिंग में दूसरा नंबर चालू है, फिर वो ओटीपी उसी के पास जाता है और फिर चुटकियों में अकाउंट साफ कर देता है।
लेकिन अब सवाल ये उठता है कि भाई ये काम कैसे करता है। तो मैं आपको बता दूं, जब क्लोनिंग की जा रही होती है, जैसे मान लीजिए कि आप किसी को कॉल कर रहे हैं और कॉल नहीं लग रहा है, फिर आप टेक्स्ट कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, मैसेज भी नहीं जा रहा है और इंटरनेट भी काम नहीं कर रहा है, लेकिन मोबाइल में नेटवर्क है फिर भी कुछ भी काम नहीं कर रहा है, ना ही कॉल लग रहा है और ना ही मैसेज जा रहा है और ना ही इंटरनेट काम कर रहा है। अगर आपके साथ ऐसा हो तो आप समझ जाएं कि आपके नंबर की क्लोनिंग की जा रही है, सिम स्वैपिंग हो रही है। लेकिन अब आप कहेंगे कि भैया हम प्रॉब्लम तो समझ गए, लेकिन इसका सॉल्यूशन क्या है भाई, सॉल्यूशन बताओ। तो इसका सॉल्यूशन है कि आप एक अल्टरनेटिव नंबर रखें, मतलब दो नंबर। सबसे पहले मैं ये चीज क्लियर कर देता हूं कि बैंक में आप एक अलग नंबर रखें और वो नंबर किसी को ना दे, आपके जो भी रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, किसी को भी ना दे। जितनी भी सोशल मीडिया एप्स हैं, ये वेबसाइट है, कहीं पे आपको रजिस्टर करना पड़ रहा है, तो बैंक वाला नंबर कभी ना दे, वो दूसरा वाला नंबर दे। लेकिन अब आप कहेंगे कि भाई बैंक भी तो सिक्योर नहीं, आपने अभी अभी बताया कि बैंक के कर्मचारी जो होते हैं वो भी मिले होते हैं। ये बात तो सही है, लेकिन जो बड़े बड़े बैंक्स होते हैं, जो हाईली रेप्यूटेड होते हैं, वो लोग ऐसा नहीं करते हैं। वो लोग नहीं चाहते कि भाई हमारे बैंक का नाम खराब हो। जो बड़े बड़े बैंक्स होते हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूं। और वैसे भी सिर्फ बैंक में नंबर रहेगा और किसी भी साइट पे आपका नंबर नहीं डाला हुआ है, कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन में आपका नंबर रजिस्टर्ड नहीं है, आप किसी को नहीं दिए हैं, तो ऐसे में आप 99.9% चांस रख सकते हैं कि भाई आपका जो बैंक अकाउंट है वो सेफ है, वो जल्दी हैक नहीं होगा। दूसरी चीज कि आप अपना OTP किसी को शेयर ना करें। और तीसरी चीज, आप कभी भी किसी भी अननोन लिंक पर क्लिक ना करें। और अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि भाई मेरे नंबर की क्लोनिंग हो रही है, तो उस टाइम पे आप कभी भी गलती से भी फोन को स्विच ऑफ ना करें। जैसे ही आप फोन को स्विच ऑफ करेंगे, फिर हैकर को मौका मिल जाएगा, फिर आपके बैंक अकाउंट से सारे पैसे उड़ा लेगा। इसलिए भूल कर भी ये गलती कभी ना करें। लेकिन उस टाइम पे आप हाथ पे हाथ रख के ऐसे ही ना बैठे, जिस भी कंपनी का आपका सिम है उस टेलीकॉम कंपनी को कॉल करें अलग नंबर से, और पूरी जानकारी दे कि भाई इतने घंटों से, आप देख लें 2-3-4-5 घंटे होंगे, वो टाइम बताएं और बोले कि भाई ये जो मेरा नंबर है, इस नंबर से ना ही कॉल लग रहा है और ना ही मैसेज जा रहा है और इंटरनेट भी काम नहीं कर रहा है, प्लीज आप कोई सॉल्यूशन दे, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे नंबर की क्लोनिंग की जा रही है। फिर वो आपको कोई सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। तो ये चीज याद रखें कि आप कभी भी बैंक का एक जो नंबर होगा, जो नंबर आप बैंक में दिए होंगे, वो किसी को भी ना दे, और ना ही किसी भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन में वो नंबर रजिस्टर्ड करें, या किसी वेबसाइट पे, ना ही गवर्नमेंट, ना ही प्राइवेट, किसी भी एप्लीकेशन में नहीं, कोई भी साइट पे नहीं, वो नंबर कहीं पे भी शेयर ना करें। जो अल्टरनेटिव नंबर रहेगा वही नंबर हर जगह शेयर कर दे, जो नंबर बैंक से लिंक होगा वो नंबर शेयर ना करें। दोस्तों अभी भी गांव कस्बों में लोगों को ज्यादा नॉलेज नहीं है, लोगों को साइबर सिक्योरिटी के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, और उनके साथ धोखाधड़ी हो जाता है। बहुत सारी प्राइवेट कंपनी या फिर गवर्नमेंट की स्कीम लेकर आते हैं कि भाई ये स्कीम है, आप आधार कार्ड का जेरोक्स दे, मोबाइल नंबर दे, फिर आपको ये स्कीम मिलेगी। स्कीम का लालच दे के डेटा ले जाते हैं, जिसमें आप देखे होंगे कि लड़की होगी, यूनिफॉर्म में होगी और लड़का भी साथ में होगा, और बोले सर सर ये है। तो आप एक चीज याद रखें कि सबसे पहले बात को समझें कि वो क्या कहने की कोशिश कर रहा है, और देखें कि वो सच में गवर्नमेंट की तरफ से है या फिर आपका डेटा चुराने आया है। आप पहले पढ़ें, उसके बाद ही कोई फैसला लें, क्योंकि वो लोग जो है वो लालच देते हैं गवर्नमेंट की तरफ से ये स्कीम आया है, आपको ये लाभ मिलेगा, आपको ये फायदा होगा, आपको इतने फंड्स मिलेंगे, या फिर कुछ भी XYZ कुछ भी बेनिफिट्स आपको गिनाएगा, काउंट करवाएगा कि भाई आपको ये मिलेगा, उसके लिए आपको आधार कार्ड देना होगा, नंबर देना होगा, पैन कार्ड देना होगा, और लोग दे भी देते हैं। फिर क्या होता पता है, उस डेटा को रीसेल करते हैं, मतलब एक कंपनी दूसरी कंपनी को बेचेगी, फिर दूसरी कंपनी तीसरी कंपनी को बेचेगी, फिर तीसरे चौथे को, मतलब आपका जो डेटा है वो प्रसाद की तरफ बढ़ जाएगा। इसलिए आप अपने डेटा की कदर करें, फिर डेटा आपकी कदर करेगा। डेटा इक्वल मनी, जितनी वैल्यू डेटा की है उतनी ही वैल्यू मनी की है, क्योंकि डेटा बिकता है, लोग खरीदते हैं और मार्केटिंग करते हैं। और अपना ईमेल एड्रेस भी किसी भी साइट पर जाके लॉगिन ना करते, क्योंकि ईमेल के जरिए भी फिशिंग अटैक होता है। अगर आप नहीं जानते हैं कि फिशिंग अटैक क्या होती है, तो उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप जाके देख सकते हैं। और एक चीज याद रखें कि आपके पास कभी भी कॉल आता है और बोलता है कि मैं बैंक से बोल रहा हूं, या फिर फोन पे से बोल रहा हूं, या फिर गूगल पे से बोल रहा हूं, या पेटीएम से बोल रहा हूं, तो आप उसकी बात बिल्कुल भी ना माने और बोले कि भाई जो भी दिक्कत है मैं बैंक जाके समझूंगा। तुमको बोलने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आप सोचे ना, जो भी शमशेर सिंह है उनके अकाउंट से 50 लाख रुपए उड़ाए जा चुके हैं। आप उस फीलिंग को फील कीजिए, बेचारे कितने दुख में होंगे। लेकिन अब मैं किसी के साथ भी ऐसा नहीं होने दे सकता। आप सोचिए, कोई गरीब इंसान होगा जो अपनी बेटी की शादी के लिए पैसा रखा होगा, या फिर कोई अपनी माँ के इलाज के लिए पैसा रखा होगा, और उसके अकाउंट से जो भी अमाउंट हो, 85,000 हो या 1 लाख हो, वो अमाउंट, वो पैसा उड़ा ले गया हो, तो सोचिए उन पर क्या बीत रही होगी। आप इंसानियत के नाते कम से कम इस वीडियो को एक शेयर तो जरूरी करें। और अगर आप ऐसा ही वीडियोस और देखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। खैर, मुझे दीजिए इजाजत ताकि मैं अगला वीडियो बना सकूं। मैं मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,
जय भारत।